Hi Divine Family, welcome back to the channel. How are you all? I hope everybody is fine, doing absolutely well and आप सब बहुत ही मज़े में होंगे क्योंकि ये आपका सीजन चल रहा है पूरी तरह से, ठीक है। और अब आपने जो भी अच्छाइयाँ करी थी, आपने ज़िंदगी में जो भी अच्छाइयाँ करी थी, ठीक है, जो भी अच्छे कर्म किए थे, अब आपको उन कर्मों को भोगना है। अब उन कर्मों को इंजॉय करने का सीजन आ चुका है, ठीक है, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। एंड आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट मैसेज एंजल्स भेज रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, जो डिवाइन एनर्जीज हैं उन्होंने आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उनके साथ गेम खेला है, उनको उल्लू बनाया है, ठीक है। उनको उल्लू इस तरह से बनाया गया है आपके हेटर्स और एनिमीज को कि हर बार उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जीत गए, ठीक है। आपको थोड़े समय के लिए डिप्रेस करने से उनको ऐसा लगता है, उन हेटर्स को, एनिमीज को ऐसा लगता है कि उनकी जीत हो गई, ठीक है, वो आपको हरा पाने में सक्सेसफुल हो गए, आपकी चीज़ें डिले करने में सक्सेसफुल हो गए। हालांकि ईश्वर भी उनके मज़े लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है उनको कि शायद उनका जो गंदी चीज़ें हैं, जो काली पीली नीली गुलाबी जादू हैं, व्हाटएवर, ठीक है, वो चीज़ें, ईविल चीज़ें वो वर्क कर गई हैं, उनको ऐसा फील कराते हैं डिवाइन, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए कहीं बिजी हो जाते हैं तो अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि अब लगता है उन्होंने आपकी सक्सेस को रोक लिया है। बट ऐसा नहीं है, आपकी सक्सेस को रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुद डिवाइन एनर्जीज ने आपको उस काम पर लगाया है, तो आपकी सक्सेस को रोक पाना इम्पॉसिबल है ना। और कोई भी इविल एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती है, ये बात उन लोगों के समझ में नहीं आएगी, आपको पता है, क्योंकि आप डेफिनेटली डायरेक्टली एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन में हैं, हर मैसेज आप तक पहुंच रहा है, आपको पूरी तरह से एंजल्स और डिवाइन अवेयर करा रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हैं आप, है ना, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, राइट। तो ये मैसेज आपको डिवाइन एनर्जीज देना चाहती हैं। बॉटम ऑफ डेक, मैंने जस्ट उठाया ही था कार्ड्स को, और बॉटम ऑफ डेक डेविल रिवर्स, यस। सो ये जो कुछ भी है ना, ये बैकफायर हुआ है, हर बार ही बैकफायर होता है, पर फिर भी वो लोग नहीं समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सो इससे पहले मैं अपनी रीडिंग को शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स को, डिवाइन को, स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को, सबको इन्वाइट करूंगी अपनी इस रीडिंग में, कि हमें क्लियर मैसेजेस मिल पाए जो भी एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हमें देना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए कि आज हमारे कलेक्टिव्स को कौन सी ऐसी बात है जो उनकी नॉलेज में आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दीजिएगा, जो भी मैसेजेस हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे डिवाइन मेंबर्स को, डिवाइन फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए, ठीक है, उनकी नॉलेज में जो बात आनी चाहिए, प्लीज़ वो सारे मैसेजेस हमें प्रोवाइड करिए। ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे। ओके, डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, माई डियर एंजल्स, ओके, बहुत सारे हो जाते हैं, माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर डिवाइन, ओके, एकदम ये वाला तो उड़ के गया, राइट, ओके, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे को क्लियर मैसेजेस दीजिए जो, ओके, ओके, या, ओके, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, द चैरियट रिवर्स,
The Emperor. Devil reverse again. See. The Emperor. Okay. देखते हैं क्या मैसेज कलेक्टिव्स के लिए आ रहा है, यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है हमारे डिवाइन फैमिली मेंबर्स के लिए, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स, क्या बताना चाह रहे हैं आपको आज. राइट. ओके. कुछ तो न्याय हो रहा है यहाँ पे, कुछ न्याय करने वाले हैं एंजल्स एंड डिवाइन. या आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन दी जा रही है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन दी जा रही है, अथॉरिटेटिव पोजीशन. द एम्परर, तो हो सकता है एरीज हो यहाँ पे कोई, मेष राशि, या मेष राशि है यहाँ पे, लिब्रा, तुला राशि है ना, मकर राशि है यहाँ पे. कर्क राशि काफी स्ट्रांग आ रही है, वृश्चिक और मीन राशि भी है, वर्गो भी है, कन्या राशि, वृष राशि. सो ये मैसेज बहुत क्लियर आया है, यहाँ पे कुछ न्याय देने की बात हो रही है, आपके मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा रही थी, ठीक है, यहाँ पे. और आपके मूवमेंट यानी कि आपकी हैप्पी फैमिली, हो सकता है आपकी शादी होने वाली है तो उसको रोका जा रहा हो, या आपकी शादी हो चुकी है, हो सकता है आपकी शादी अगर हो चुकी है तो उसमें अड़चने पैदा करने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज यहाँ पे मैं स्पेल वर्क देख रही हूँ, ठीक है. ये और ये द मजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क किया जा रहा है, आपकी फैमिली को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या बट अभी आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ डिवाइन न्याय कर रहे हैं क्योंकि चीजें अब ठीक हो रही हैं. ओके. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस किसी ने भी ये कुछ किया है ना, ये कहीं किसी प्रैक्टिशनर के पास जाकर करवाया गया है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये किसी प्रैक्टिशनर के पास जाकर करवाया गया है ताकि आपकी लाइफ को डैमेज करा जा सके. मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी चैनल कर रही हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स, टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स विद यू. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है रीडिंग तभी आप लीजिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे राशियाँ बताई उनके अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये किसी प्रैक्टिशनर के पास जाकर के करवाया गया, बट वो लोग कंफ्यूज है कि ये काम क्यों नहीं करा, ये चीज काम नहीं कर रही है, वो कंफ्यूज है वो लोग, ठीक है. डेविल रिवर्स में आया मतलब ये बैकफायर हुआ है, ये बैकफायर हुआ है. ओके. कोलैबोरेशन किया इन लोगों ने किसी के साथ जाकर के ना, इन लोगों ने कोलैबोरेट किया है और ये कंफ्यूज है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है. आपके साथ डिवाइन न्याय करेंगे, न्याय कर रहे हैं बल्कि, क्योंकि आपकी फैमिली को कोई भी टच नहीं कर सकता. आप देख रहे हैं इस तरफ भी एक पावरफुल कार्ड है और इस तरफ भी एक पावरफुल कार्ड है और बीच में आपकी फैमिली का कार्ड है ना, हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है. सो आपकी हैप्पी फैमिली को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता, कोई भी टच नहीं कर सकता है, किसी प्रकार का आपके साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि शनि देव की कृपा मुझे दिख रही है, जो न्याय के देवता हैं, जो जस्टिस के देवता है ना, वो आपकी साइड हैं, आपके फेवर में है, ठीक है. यहाँ पे आपकी मूवमेंट, आपकी जो लाइफ का जो मूवमेंट है ना, पॉजिटिव मूवमेंट, वो ब्लॉक किया गया, आपकी लाइफ को रोकने की कोशिश करी गई, डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई, आपकी लाइफ में सक्सेस आप तक ना पहुंच पाए, ये कोशिश करी जा रही है, ठीक है. और ये लोग कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में डैमेज करने की आपको,
या ओके, आप अपने आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं बेसिकली ना, ये लोग चाहते हैं, इनकी नज़र आपके पैसों पर भी थी, ठीक है, आप एक हायर अथॉरिटी हायर पोजीशन पे हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रेनाउंड हैं, बहुत नोन हैं, बहुत पॉपुलर हैं, है ना, बॉस फिगर हैं, लाइक अ किंग और क्वीन वाइब्स आपके अंदर हैं, ठीक है, या आप बहुत कमांडिंग हैं, आपकी एनर्जी से ही ये लोग डरते हैं, यू नो, आपके सामने पूरी तरह से ये लोग नर्वस हो जाते हैं, जो आपके हेटर्स हैं, जो इस तरह की ईवल चीज़ें करते हैं ना, ये लोग आपके सामने नर्वस फील करते हैं, डरते हैं आपसे, ठीक है, तो ये लोग जानते हैं कि आप अपने जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, अपने पैसों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, है ना, प्रोटेक्टिव हैं अपने पैसों को, अपने धन को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के आप प्रोटेक्टिव हैं, सो वो ये लोग चाहते हैं, जानते हैं, बट ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रोटेक्शन है ना वो आप छोड़ दो, यू नो, डिवाइन आपका आपको प्रोटेक्ट करना छोड़ दें, ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है इन कार्ड से, या ये लोग चाहते हैं कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करना छोड़ दें, बट ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन पूरी तरह से आपको कवर अप करते हैं, वो पूरी तरह से आपको कवर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इन लोगों की पोल खुली है पूरी तरह से। आगे क्या होने वाला है, आगे नेक्स्ट इन लोगों का क्या मूव होगा, नेक्स्ट ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ ये लोग प्लान कर रहे हैं आगे, या ये लोग आपके पैसों को ही टारगेट करते हैं, इन लोगों की नज़र आपके धन पर है, आपके पैसों पर है, आपकी ब्लेसिंग्स पर है, जो ईश्वर आपको अबंडेंस दे रहे हैं ना उस पर है, ठीक है, इसका ऑपोजिट आना मतलब आपकी अबंडेंस को ब्लॉक करना चाह रहे हैं ये लोग, ये उन लोगों के इंटेंशंस हैं, आपके लव लाइफ को भी इफेक्ट करना, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में या आपका आपके कोई पार्टनर हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, सी बहुत क्लियर कार्ड्स आए हैं, या ये इंटेंशंस हैं इन लोगों के, आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स नहीं आनी चाहिए, कोई न्यू सक्सेस नहीं आनी चाहिए, ऐसे इंटेंशंस हैं इन लोगों के, ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं जाके, कोलैबोरेट कर रहे हैं ये लोग जाके कहीं पे, कोई प्रैक्टिशनर है ना, कोई ईवल प्रैक्टिशनर है, स्पेल वर्क करते हैं वो लोग, जादू टोने करते हैं, तो उनके पास ये लोग जा रहे हैं नेगेटिव चीज़ें करवाने के लिए, सी बट ये लोग कंफ्यूज हैं, ये सब वर्क कर नहीं रहा है, ठीक है, तो यही इंटेंशंस हैं इन लोगों के, इन लोगों के इंटेंशंस गंदे हैं, ईवल हैं, और ये लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, जब तक इन लोगों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देंगे ना डिवाइन, ये लोग एंजल्स को और डिवाइन एनर्जीज को मजबूर कर रहे हैं इन लोगों पर, यू नो, नुकसान पहुंचाने, इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो विवश कर रहे हैं, जिस तरह से हमने पास्ट में भी कई सारे राक्षसों का, यू नो, सुना है कैसे उनको बड़ी दिव्य शक्तियों ने, यू नो, नष्ट किया है, राइट, तो उसी तरह से ये भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको बार 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 डिवाइन अल्टीमेटम देकर छोड़ रहे हैं कि मत छेड़ो, चोजन वन को मत छेड़ो, उसके अंदर मेरा अंश है, उसको मत छेड़ो, उसको परेशान मत करो, क्योंकि वो उसके भाग्य की चीज़ है, बट ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, ये लोग उसी चीज़ में लगे हुए हैं, है ना, नेगेटिव चीज़ों में, तो देखते हैं डिवाइन क्या बोल रहे हैं। ओके, बहुत फास्ट आया है, महादेव की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एक और लेते हैं, माँ काली की, बॉटम ऑफ डेक में माँ काली की एनर्जी है, राइट, महादेव, माँ काली, शिव शक्ति, यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा है,
और शिव शक्ति इस पूरे यूनिवर्स का सार है, ठीक है। आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, आप इनको डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन कह सकते हैं, आप इनको किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये ऊर्जा का सत्य है, ये डिवाइन एनर्जीज का ट्रुथ है। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, हो सकता है शिव शक्ति काफी ज्यादा नाराज है या इन लोगों से, मदर मैरी की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। सी, आपको बोला जा रहा है कि आप तो आपके लिए नहीं है ये मैसेज, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये मैसेज आपके हेटर्स के लिए है, ठीक है। अगर वो आपसे हेट करते हैं तो उनको बोला जा रहा है कि पीस को चुने, शांति को चुने, सही गलत। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे ग्रजेस रखते हैं, है ना, उनको पास्ट में कोई आपसे कोई बात हो गई होगी, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो उनके अंदर बदले की भावना है, मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं अब ऐसा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, राइट। तो ये ग्रजेस, ये हीन भावना, ये ओछी सोच, घटिया सोच, राइट। तो उनको बोला जा रहा है यहाँ पे, मदर मैरी उनको कह रही है कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, क्या सही है क्या गलत है इसको साइड में रखो, ठीक है, सही गलत का कुछ नहीं करना, अचार नहीं डालना है, ठीक है। बट अगर सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, राइट, आपके जो भी हेटर्स हैं उनको डेफिनेटली सही गलत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पीस को चुनने को कहा जा रहा है, उनको बोल रहे हैं कि शांत रहो, शांति को चुनो, गलत चीजें मत करो, अपने कर्म मत बिगाड़ो, उन लोगों को ऐसा बोल रहे हैं डिवाइन, बट वो लोग नहीं सुनेंगे, वो लोग नहीं सुधरेंगे। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, किसी की मदर है उनको कुछ हीलिंग की जरूरत है, राइट। सो इस टाइम बोल रहे हैं कि पॉसिबल है कि आपकी मदर को कुछ हीलिंग मिले, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई मदर फिगर भी हो सकती हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रजेस हैं आपसे, कुछ परेशानियां हैं आपसे, आपकी मदर भी हो सकती हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं आपसे, है ना, या पॉसिबल, ठीक है। काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सो, या आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, यू नो, ईश्वर से या दिव्य शक्तियों से आपका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, मेजर आध्यात्मिक चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपका जो दायरा है ना, आपका जो एनर्जी का जो या आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है ना वो काफ़ी एलिवेट हो चुकी है, हायर फ्रीक्वेंसी पर हो आप, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे हो, और किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको डैमेज कर पाए, उल्टा वो स्वयं डैमेज होने वाला है जो कोई भी है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति सीधा सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं उन लोगों को कि मेरे बच्चे के साथ मत उलझना, ठीक है। या लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स, या आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो ऊर्जा दौड़ रही है ना, जो शिव शक्ति ऊर्जा दौड़ रही है, ठीक है, आप उसको शिव शक्ति ऊर्जा कहिए, आप उसको डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा कहिए, आप उसको सुषुम्ना नाड़ी कहिए, आप उसको कोई भी ऊर्जा, कुछ भी नाम, जो नाम आपको सूटेबल लगे आप उसको दे सकते हो, ठीक है। आप फ्री हो कोई सा भी नाम उस ऊर्जा को देने के लिए, बेसिकली ऊर्जा किसी भी नाम की मोहताज नहीं है, ठीक है। ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऊर्जा किसी भी
नाम की मोहताज नहीं है, वो दिव्य शक्ति ऊर्जा है। मैं बचपन से इनको इसी नाम से बुलाती रही हूँ, तो मुझे ये नाम आता है इनका, मुझे ये नाम पता है इनका, बट आप उनको और भी अन्य नामों से बुला सकते हो, ठीक है। सो ऊर्जा का कोई नाम नहीं होता है, ऊर्जा वो पावर होती है, वो दिव्य एनर्जी होती है, वो डिवाइन एनर्जी होती है जो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ ऐसे सच्चे लोगों के अंदर भी वो प्रेजेंट है, यू नो, जिसको जिनको बोलते हैं चोजन बीइंग्स, जिनको बोलते हैं चुने हुए बच्चे, ठीक है, डिवाइन के दिव्य चुने हुए बच्चे। और उन बच्चों के आसपास स्वाभाविक होता है कि इस टाइप के दुष्ट लोग हों, जो उनसे ग्रजेस रखते हों, उनको बेवजह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हों। और ये जो बच्चे होते हैं, जो दिव्य बच्चे होते हैं, है ना, डिवाइन एनर्जीज के, वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एलियन जैसा फील होता है, उनको लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पे लोगों के साथ मिक्सअप ही नहीं हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, मुझे कुछ अलग अलग सा फील होता है। सारे मिलके एक झुंड में हंस रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, और जो दिव्य बच्चा होता है वो अकेला होता है, वो किनारे होता है झुंड से, भीड़ से अलग, है ना, अकेला। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ मैच नहीं हो पाती है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ बच्चा है और उसमें दिव्य ऊर्जा दौड़ रही होती है। इसीलिए बोला गया शिव और शक्ति कैलाश पर वास करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सेंटर है ब्रह्मांड का, ठीक है, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा केंद्र है ब्रह्मांड का, जहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दौड़ती है, ठीक है, जहाँ पर सारी दिशाएं मिलती हैं, एक हो जाती हैं, जहाँ पर सारा समय एक हो जाता है, ठीक है। तो वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी वहाँ पर रहती है, हाईएस्ट वाइब्रेशन वहाँ पर रहती है, ठीक है। सो वही उसी वाइब्रेशन का अंश आप जैसे, जिस किसी के साथ भी ये रेजोनेट होने वाला है, आप जैसे चोजन बच्चों के अंदर दौड़ता है, इस तरह की ऊर्जा दौड़ रही है, ये निकल के आए हैं ये कार्ड्स, तो आप डेफिनेटली चोजन बीइंग हैं। और आपके साथ इस तरह की घटिया हरकत करी गई है, लोगों ने करी है और करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं डिवाइन, बट ये अल्टीमेटम की भी एक सीमा है, एक लिमिट है, इस अल्टीमेटम की भी एक लिमिट है। जब एक पानी सर के ऊपर हो जाएगा तो डेफिनेटली उनको भी अपने कर्मा फेस करना शुरू करना पड़ेगा, मतलब वो लोग भी अपना कर्मा फेस करेंगे, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी आप देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे शिव और शक्ति की साक्षात ऊर्जा प्रेजेंट है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे आई। ओके, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस डाउनलोड्स आपको देना चाहते हैं शिव शक्ति के, लेट्स सी, देखते हैं और क्या डाउनलोड मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं। वाओ वाओ, ईश्वर भी आपके भक्त हैं। आप कौन है जिसकी भी ये रीडिंग है, जिसके लिए भी रेजोनेट हो रहा है, कौन है आप? ईश्वर आपके भक्त हैं, आप इतने सच्चे भक्त, यू आर गॉड्स चैंपियन। ये सब कुछ शिव शक्ति आपसे कह रही है, सब कुछ डिवाइन एनर्जीज आपसे कह रही हैं, आप गॉड के चैंपियन हैं, ईश्वर आपके भक्त हैं, ईश्वर अपने सच्चे भक्तों के भक्त हैं हमेशा, ठीक है, बिलीव करिएगा। फ्लर्टिंग, आपसे कोई फ्लर्टिंग कर रहा है, कोई फ्लर्टिंग करना चाहता है, या ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपसे फ्लर्टिंग करते हैं, ठीक है, वो आपको, आपकी फैमिली को ट्रैप करना चाहते हैं, आप उनके ट्रैप में नहीं आ पा रहे हो, राइट। फेस स्कार, किसी के चेहरे पर कोई स्कार है, कोई दाग है, ये निशानी है। ओके, ये किधर से लेते हैं, द क्राउन चक्रा,
एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट एंड ब्लिस। या आपके अंदर सोचने समझने की बहुत गजब की शक्ति है। क्राउन चक्रा हो सकता है, पॉसिबल है आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। आपके अंदर गजब की सोचने समझने की शक्ति है चीजों को, एंड आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव लग रही है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे शिव शक्ति की का कार्ड आना, यू नो, ये सुषुम्ना नाड़ी का भी इंडिकेशन देता है। पॉसिबल है आपकी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, जो आपके दो बेसिकली आपके जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट है ना, वो बैलेंस्ड आउट है। आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो चुकी है, ठीक है, आप में से जिस किसी के साथ भी ये रेजोनेट होता है। फेक फैमिली मेंबर्स, सो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं, है ना, आपसे सामने प्यार दिखा रहे हैं और पीछे कुछ और। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, आपके हेटर्स आपके एनिमीज स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं आपकी सक्सेस को देख देख कर, आपको अच्छा करते हुए जीवन में देखकर वो परेशान है। ऑन योर ओन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 or 3 AM, आपके साथ ये हो रहा होगा, आप 3 या 4 बजे के करीब जग जाते हैं। सो इसका मतलब है डिवाइन एनर्जीज आपको जगाना चाहती हैं, या आप कुछ मेडिटेशन करें, आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और उसको जागृत अवस्था में ही रखने के लिए कहा जा रहा है। सो इस वजह से हो सकता है आपको जगाया जा रहा हो अर्ली मॉर्निंग, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगने के लिए कहा जा रहा है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, वाओ, कांग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का बेस्ट सीजन चल रहा है ये, ठीक है, या ओके। इंजीनियर, यहाँ पे कोई इंजीनियर है, इंजीनियर हो सकता है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपकी आध्यात्मिक अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, ओ आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है आप उनसे बात कर सकते हैं, ये आपकी एबिलिटीज हैं। ओके, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी टू टेक 2 more, 2 और लेने हैं, ओके, आई विल टेक दिस वन। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, आपकी लाइफ में सब कुछ आपकी तरफ चुंबक की तरह खिंचता चला आता है, आप किसी चीज़ का पीछा नहीं करते, आप किसी चीज़ के लिए रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, वाओ, सी आ गया ना, आपको कुछ खिलाया गया, ठीक है, कुछ खिलाकर आप पर स्पेल वर्क करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, टोने टोटके, तंत्र मंत्र षड्यंत्र ये करने की कोशिश करी गई है, कुछ खाने की चीज में मिलाकर या एडिबल्स में मिलाकर, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, आप किसका क्या दिया हुआ क्या खाते हो, बी वेरी वेरी विजिलेंट, ठीक है, बहुत ध्यान रखो। हालांकि ये सब असर करने वाला नहीं है, बट ऐसी चीज़ों को आप अपने लेवल से ही हटा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को अपने तक आने ही मत दो, राइट। ओके, एस जी पी एस पी जी स्पेशल प्रोटेक्शन मैं देख रही हूँ, स्पेशल प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको। जेड ई evil, yeah, L, I'm listening evil, B, yeah, B,
एडिबल, या आई एडिबल, एक्स, अभी आपसे बात नहीं हो रही है इनकी, जो कोई भी है, जिस किसी ने भी ऐसा कुछ करा है आपके साथ। नंबर टू, एट, 38 किसी की एज हो सकती है, 28 किसी की एज हो सकती है, 1983 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है ना, 23 किसी की एज हो सकती है, 1982 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, एन या नंबर सिक्स, 15, 24, ओके, ओके, जलन, आई एम लिस्टिंग जलन, किसी को जलन है बहुत ज़्यादा, एक्स, हो सकता है कोई एक्स हो आपके, ठीक है, कोई लव इंटरेस्ट, आप जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया या बात नहीं होती, एक्स पार्टनर, ओके, बिग, बिग अचीवमेंट्स है ना, बिग प्लान, कुछ बिग प्लान है, कोई बड़ा प्लान है इन लोगों का, बिग प्लान्स, या ईश्वर के बड़े प्लान्स हैं आपके लिए, ईश्वर के बहुत बड़े प्लान्स हैं आपके लिए, एक्सपेल, एक्सपेल हो गया सब कुछ, जो कुछ भी इन लोगों ने किया था ना वो सब वापस चला गया, वो सब वापस ही जाता रहेगा, और एक दिन ये भी वापस चले जाएंगे नरक में, या राइट ऐसे ही बदतमीजियां करने वाले लोग, ऐसा उल्टा सीधे हरकतें करने वाले लोगों के साथ यही होना चाहिए, उनको नरक में ही जाना चाहिए, ठीक है। एंड पेन, यहाँ पे कोई लिख रहा है कुछ, पेन, स्पेल, या स्पेल तो कार्ड्स में आया है, बिल्कुल क्लियर आया है, स्पेल, एक्सपेल, वो उल्टा वापस चला गया है ना, बिन, कूड़े में गया सब कुछ, उनका करा हुआ सब कुछ कूड़े में ही चला गया, ओके, कुछ नाम, स्पाइन, आई एम लिसनिंग स्पाइन, किसी को यहाँ पे स्पाइन में पेन है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, या रीढ़ की हड्डी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके जो हेटर्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही हो, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कोई इशू हो रहा हो, ये उनके कर्मों की सजा है उनके लिए, ठीक है। और अगर आप में से किसी को हो रहा है ऐसा कुछ, तो पॉसिबल है कि ये आपको बताने के लिए, आपको एंजल्स एंड डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया गया है, तो छोटे रूप में हो सकता है आपको पेन से अवगत करा रहे हैं कि ये कुछ पेन आपके लिए ऐसा भेजा गया था, बट उन्होंने आपको बचा लिया है उससे, ठीक है। आई एम लिसनिंग जंगल, जंगल, कहीं जंगल में कोई गया था कुछ कराने के लिए, नेगेटिव चीज, जंगल, स्पाय, वो लोग आपको, आप पर तांग झांक करते रहते हैं, देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सिप, कोई ड्रिंकिंग वाली चीज थी, सिप, या कोई कुछ चाय पी रहा है, कोई सिप ले रहा है, कोई किसी चीज का, कोई कुछ
पी रहा है, समबडी इज ड्रिंकिंग समथिंग. BXE box something to do with box. E, I'm getting enemies. E, enemies, evil enemies. SIL, sister in law, कुछ sister in law से related कोई बात है. Brother in law, sister in law. Sex spell, या किसी ने sex spell करने की कोशिश करी, है ना, ट्रैप करने की कोशिश करी. बिग एक्स I'm listening bliss, bless, blessings. आपके लिए blessings आ रही हैं. या जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, आपके लिए blessings आ रही हैं. Blessings. ठीक है, lots of blessings for you. See, angels blessings दे रहे हैं आपको. XP. Expedite experience. 38 आपकी एज हो सकती है, है ना. 26 आपकी एज हो सकती है. 24 हो सकती है आपकी एज. ओके, सो स्पिरिट्स आर टेलिंग मी दिस इज इट. या सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ. एंड आई होप एंड प्रे कि आप सब बहुत अच्छे रहेंगे, सेफ रहेंगे हमेशा, एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे, गाइडेड रहेंगे. ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, बट इस तरह के ईवल लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. ठीक है, इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा. इस चीज़ की अश्योरेंस आपको डिवाइन डेफिनेटली दे रहे हैं. ठीक है, सो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड. ओके, so stay blessed. Bye-bye.